मसीह यस्सु के अजीम कादर और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं शबान विक्टर आज आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ। और आज जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज हम जबूर 32 डी शार्प स्केल यानी दूसरा काला, ये दूसरा काला कहलाता है, इसके स्केल से आज हम करेंगे जबूर 72 रहेगा नाम। तो इसकी पहले हम मैं आपको इसकी राग बजा के बता दूं। राग बिलावल में इसकी कंपोजिशन है और राग बिलावल मोस्टली सबको पता है, बहुत आसान है, लेकिन इस स्केल से बजाना क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ा मुश्किल होता है, तो आप पहले इसकी नोटेशन देख लेंगे तो आपको ज़बूर पिक करने में आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए इसकी मैं पहले आपको राग बजा के दिखाता हूँ। ये इसका बिलावल स्केल है। अब आप इस पे देखें जबूर 72 की नोटेशन। अच्छा, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, हाथ ये हाथ ऐसे रह रहा होता है और नीचे से पता नहीं कौन सा सुर लग रहा है। तो हारमोनियम में थंब की निचले सुरों पे बहुत काम होता है। मैं इस वक्त आपको सिखा बेशक कीबोर्ड पर रहा हूँ, लेकिन मैंने इसमें हारमोनियम का ही टोन किया हुआ है ताकि हारमोनियम बजाने वाले उसको अच्छी तरीके से देखें। ये मैंने इस सुर को दबाया, फिर से देख लें, तीसरे काले के निचला अगला सुर यानी के जी स्केल, जी 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 का नोट, पांचवा काला। ठीक है, ये पहली उंगली से दूसरा काले का नोट प्रेस करना है और आपकी शेप ये रहनी चाहिए, इसको ऐसे हल्का सा बेंड करके ये आपने डी शार्प स्केल पकड़ लिया। अब इसकी मेलोडी देखें, डी शार्प स्केल से इसकी मेलोडी। और नेक्स्ट वीडियो में मैं खुदा ने चाहा तो ई मेजर स्केल, यहाँ से भी बहुत सारे लोगों की पिच हाई होती है चर्चेज में, क्योंकि मोस्टली चर्चेज में कभी माइक सिस्टम नहीं होता तो लोग ऊंची आवाज़ से गाते हैं। ख़ासतौर पे हमारी जो बहनों की साइड है, फीमेल्स, वो बहुत हाई स्केल गाती हैं, तो ये एक स्केल कॉमनली बहुत यूज़ होता है। तो इस पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, तब तक के लिए आप मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में, ताकि वो भी जो इस वीडियो के ज़रिए सीखना चाहते हैं वो सीखें और खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।